हेलो एस्पीरेंस एंड वेलकम टू द यू पी एस सी एनालर टूडे वी विल डिस्कस न्यूज़ पेपर एनालिसिस प्रेसिडेंट का ये कहना है कि हमास कोई टेररिस्ट ग्रुप नहीं है हमास इज अबरेशन ग्रुप तो वही ये जो टर्की है ये एक्चुअली अरब सॉलिडेरिटी के साथ खड़ा रहता है एंड खुद को अरब वर्ल्ड का लीडर दिखाना चाहता है ये एग्जाम्पल हो सकता है इस्लामिक इंटरनेशनलिज्म का तो हमास इज नॉट अ टेररिस्ट आउटफिट सेज एदोगान ब्रेक थ्रू इन नेगोशिएशंस टू फ्री होस्टेजेस लाइकली सून तो एक्चुअली जो हमास है इसने लगभग 200 250 लोगों को हॉस्टेज बनाकर रखा हुआ है आंट जो कतर है ये इसराइल के साथ भी बात कर रहा है आंट हमास के साथ भी बात कर रहा है कि जो इसराइल है ये अपने अटैक को रोकने की कोशिश करे एंड जो हमास है ये हॉस्टेज को छोड़ दे कतर्स प्राइम मिनिस्टर सेट ऑन वेंसडे दैट नेगोसिएशन द गल्फ अरब स्टेट इज लीडिंग टू सिक्योर द रिलीज ऑफ होस्टेज हेल्प बाई हमास इन गाजा आर प्रोग्रेसिंग एंड ही इज होपफुल कि जल्द ही यहाँ पर ब्रेक थ्रू हो जाएगा इस्टेटलाइजेशन फॉर जेंडर चेंज तो जापान में एक्चुअली ये था कि अगर आपको जेंडर चेंज अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में चाहिए दैन यू हैव टू गो थ्रू द स्टेरलाइजेशन सर्जरी लेकिन जापान के जो टॉप कोर्ट है जापान का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा है कि स्टेरलाइजेशन कराना फॉर जेंडर चेंज इज़ नॉट मैंडेटरी एंड बिना स्टेरलाइजेशन के प्रोसेस के गो थ्रू किए बिना भी कोई पर्सन अपने जेंडर को चेंज करा सकता है इन द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जैपन्स सुप्रीम कोर्ट ऑन वेंसडे रूल दैट अ लॉ रिक्वायरिंग ट्रांसजेंडर पीपल टू अंडर गो स्टेरलाइजेशन सर्जरी इन ऑर्डर टू ऑफिशली चेंज जेंडर इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल रशिया पास इज लॉ टू विदड्रॉ फ्रॉम रेटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर टेस्पेंट ट्रीटी तो ये ट्रीटी इंपॉर्टेंट है इस ट्रीटी का नाम है सी टी बी टी इंडिया ने इसको रेटिफाई नहीं किया है यू एस ने इसको साइन जरूर किया था लेकिन यू एस ने इसको रेटिफाई नहीं किया है एंड रशिया इस ट्रिटी से बाहर आ गया है अब रशिया इस ट्रीटी से बाहर आ गया इसका मतलब यह है कि जो रशिया है ये न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहता है द सी टी बी टी अडोप्टिड इन नाइनटीन नाइनटी सिक्स बैंस ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एनी वेर इन द वर्ल्ड बट द ट्रीटी वॉज नेवर फुली इम्प्लीमेंटेड क्योंकि जितने यहाँ पर रेटिफिकेसंस मिलने चाहिए थे उतने ट्रीटी को कभी रेटिफिकेस मिले ही नहीं रशिया पार्लियामेंट कंप्लीटेड द पैसेज ऑफ लॉ ऑन वेंसडे विदड्रॉइंग रेटिफिकेशन ऑफ द ग्लोबल ट्रीटी बैनिंग न्यूक्लियर वेपन टेस्ट एविडेंस ऑफ द डीप चिल इन आर्ट इसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है तो न्यूक्लियर आर्म्स रेस स्टार्ट हो सकती है रशिया यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट करेगा देन यहाँ पर यूएसए न्यूक्लियर टेस्ट करेगा जिसकी वजह से एक आर्म्स रेस न्यूक्लियर आर्म्स रेस स्टार्ट हो सकती है ये इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है नेक्स्ट तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे महुआ केस प्रोसेस प्रेसिडेंट तो एक्चुअली यहाँ पर केस क्या है तो केस यही है क्या महुआ मोहत्रा ने ब्राइप लीथी क्वेश्चन जो अडानी को लेकर क्वेश्चन रेज किए गए थे क्या वो किसी पर्सन के बिहाफ पर किए गए थे ये सब कुछ क्वेश्चन हैं आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए एथिक्स कमेटी इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रविलेज़स कमेटी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर ऑथर ने एक्सप्लेन किया है कि कौन से केसेस जो हैं वो एथिक्स कमेटी को जाते हैं कौन से केसेस यहाँ पर प्रवेजेस कमेटी को जाते हैं ये केस यहाँ पर प्रोवेजेस कमेटी के पास क्यों जाना चाहिए था एंड इसको यहाँ पर एथिक्स कमेटी के पास क्यों भेज दिया गया ये सब कुछ यहाँ पर डिस्कस किया है तो कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं तो एक्चुअली यहाँ पर जो महुआ मोहित्रा हैं उनके ऊपर यही एलिगेशन है कि उन्होंने ब्राइब्स एक्सेप्ट की थी टू आज क्वेश्चन इन पार्लियामेंट जो कि अडानी ग्रुप को टारगेट करता हो हाउ सीरियस इज़ निशिकांत दुबे इज तो ये जो महुआ मोहित्रा के ऊपर एक्विजेशन लगाए गए हैं ये लगाए गए हैं बाई बीजेपी जे एम पी निशिकांत दुबे असेंशियली द क्वेश्चन इज वेदर एन एम पी इज आस्किंग अ क्वेश्चन इन रिटर्न फॉर सम कंसिडरेशन एंड वेदर देयर इज इललीगल ग्रेटिफिकेशन इन्वॉल्व तो अगर इस्टैब्लिश होता है तो दिस इज अ वेरी सीरियस इशू अगर किसी एम ने क्वेश्चन पूछा है किसी और के बिहाफ पर एंड उससे इस बात के लिए पैसे भी है, तो लिए हैं तो एक्चुअली के कमेटी के अंदर आना चाहिए क्योंकि ये प्रोवेलेज का ब्रीच है एंड ये कंटेम्प्ट हाउस है तो क्या एथिक्स कमेटी राइट फोरम है तो ऑथर के अकॉर्डिंग इस केस के लिए एथिक्स कमेटी राइट फोरम नहीं है प्रोवेजेस कमेटी यहाँ पर राइट फोरम होती तो इन माई ओपिनियन इट शुड हैव बीन रेफर टू द प्रोविलेज कमेटी क्योंकि प्रोविलेज कमेटी यहाँ पर ज़्यादा सीरियस इशूज़ को देखती है तो इन माई ओपिनियन इट शुड हैव बीन रेफर टू द प्रवेलेजेस कमेटी विच इज द द ओनली कमेटी विद मैंडेट टू लुक इन टू ऑफ ब्रीचेजेस एंड कंटेप ऑफ द हाउस यहाँ पर ऑथर ने एग्जाम्पल देकर भी बताया कि कौन सा केस यहाँ पर एथिक कमेटी को देखना चाहिए एंड कौन सा केस यहाँ कमेटी को देखना चाहिए फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन था जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को ले गया था किसी ऑफिशियल टूर पर कहते हुए ये कि ये मेरी वाइफ है तो इस मैटर में एथिक्स कमेटी को देखना चाहिए बट देर वॉज अनदर इंस्टांस इन विच अ मैन टूक अ वोमन एंड अ बॉय अब्रॉड ये कहते हुए कि ये जो वुमन है ये इसकी वाइफ है एंड जो बॉय है ये इसका चाइल्ड है तो एक्चुअली यहाँ पर तो पासपोर्ट एक्ट का वायलेशन हुआ है सो फॉर सीरियस मैटर्स देर इज इधर द प्रिजस कमिटी और स्पेशल कमिटी अपॉइंटेड वे हाउस फॉर देट पर्टिकुलर पर्पज फिर यहाँ पर बात की गई है कि महुआ मोहित्रा में कि ये कहा गया कि ये जो एक्चुअली एथिक्स कमेटी इसमें तो बीजेपी के है मेंबर्स हैं तो ऑथर ने कहा कि हमेशा से ऐसा ही होता है जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी होती है उसके ही मेंबर्स होते हैं कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट में लेकिन जो कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट होती है ये एक्चुअली इम्पार्शल तरीके से काम करती है तो ऐसा नहीं होता है कि कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट बाइज्ड होती हैं द कमेटी डज नॉट हैव एग्जीक्यूटिव पावर्स ये मेंबर को पनिश नहीं कर सकती जो भी इसकी रिकमेंडेशन जाएगी हाउस के सामने जाएगी एंड जो फाइनल डिसीजन होगा ये हाउस का ही होगा नेक्स्ट चाइना लॉन्च इज न्यू मिसाइल सबमरीन वाई दिस इज सिग्निफिकेंट तो चाइना ने एक्चुअली लॉन्च की है पहली न्यूक्लियर पावर्ड गाइडेड मिसाइल सबमरीन तो इससे पहले यूएस एंड रशिया के पास ही ये सब था चाइना के पास नहीं था लेकिन पेंटागन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो चाइना है इसने लॉन्च किया है फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड गाइडेड मिसाइल सबमरीन लोकसभा एथिक्स कमेटी इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेंबर्स तो ये बताया गया कि एथिक्स कमेटी कब से कॉन्स्टिट्यूट होना स्टार्ट हुई तो एक्चुअली ये इम्पॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन की कब से यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट होना स्टार्ट हुई तो पहले ये टेम्प्रेरी मेजर की तरह था बाद में इसको परमानेंट स्टेटस दे दिया गया तो रूल्स एप्लीकेबल टू द कमिटी ऑफ प्रिवलेजेस ये अप्लाई होते हैं एथिक्स पैनल पर भी द कमिटी ऑफ प्रिवेज फाइनली रिकमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन एथिक्स कमेटी ड्यूरिंग द थर्टीन लोकसभा 2005 में भी एक्चुअली ऐसा ही स्कैम हुआ था कैश फॉर क्वेरी स्कैम तो कोबरा पोस्ट कोबरा पोस्ट ऐसे एक चैनल था उसने स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें बहुत सारे एम जो हैं वो पैसे लेकर क्वेश्चन उन्होंने पार्लियामेंट में आस्क किया था जिसकी वजह से उनको कैश फॉर क्वेरी स्कैम हुआ था आठ उसके बाद कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है आठ उनको निकाल दिया जाता है हाउस से द टू हाउस अडोप्टेड मोशन टू एक्सपेल टेन लोकसभा एम पीज एंड वन राज्यसभा एम पी हुर अक्यूज ऑफ अग्रीन टू आस्क क्वेश्चन इन पार्लियामेंट फॉर मनी प्रोसीजर फॉर कंप्लेंट तो कोई भी पर्सन कंप्लेंट कर सकता है थ्रू द एम पी अगर लोकसभा एम पी की खुद की कंप्लेंट होती है तो एक्चुअली उसको एफिडेविट नहीं सबमिट करना पड़ता है वर्णा उसको एफिडेविट सबमिट करना पड़ता है एथिक्स कमेटी एंड प्रवेलेज कमेटी का काम बहुत बार ओवरलैप हो जाता है एनेलीगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट एन एम कैन बी सेंट इदर बॉडी बट यूजुअली जो सीरियस कंप्लेंट्स होती हैं ये प्रवेजेस कमेटी देखती है लिबरनेट अंडर गाज़ा तो एक्चुअली ये बताया गया कि हमास को पूरी तरीके से एलिनेट करना इज़ नॉट ईजी क्योंकि बहुत सारी टनल्स बनाई हुई हैं गाज़ा स्ट्रिप में अगर हम बात करें एंड ये जो टनल्स हैं ये अराउंड थर्टीन हंड्रेड टनल्स हैं जो कि अराउंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर है लेंथ में और कुछ कुछ तो सत्तर मीटर डीप है तो सबसे पहले इनको लोकेट करना अगर आपने लोकेट कर भी ली तो उनको डिस्ट्रॉय करना इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड इजराइली ग्राउंड इनवेशन ऑफ गाजा वैन इट अल्टीमेटली कम्स विल हैव टू रेकन विद वॉट लाइज अंडर द ग्राउंड अ नेट ऑफ टनल्स कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाई हमास द नेटवर्क ऑफ अप्रॉक्सीमेटली थर्टीन हंड्रेड टनल्स इज थॉट टू बराउंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर इन लेंथ विद द डीपेस्ट टनल्स लाइंग अप टू सेवेंटी मीटर्स तो यही बताया गया कि एक्चुअली यहाँ पर ये जो टनल्स का पूरा नेटवर्क बना रखा है हमास ने इसको एलिमिनेट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट एक अनाउंसमेंट है यू पी एस सी मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो इसमें आपको क्या क्या प्रोवाइड होगा तो फर्स्टली जो भी करंट अफेयर्स हैं ये कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किए जा रहे हैं फ्रॉम ऑल द सोर्सेज विच आर रेलवेंट फॉर यू पी प्रॉब्लम्स एंड मेन्स सेकेंड पॉइंट आपको प्रॉब्लम्स स्पेसिफिक सीरीज मिलेगी जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रॉब्लम्स के डिस्कस किए जाते हैं प्लस टेन एफ फॉर प्रैक्टिस एंड इन एडिशन टू दिस आपको मेन्स स्पेसिफिक मेंटरशिप भी प्रोवाइड किया जाएगा एंड यह सब कुछ साइमल्टेनियसली चलेगा ऐसा नहीं है कि पहले आपको करंट अफेयर्स करा दिए जाएंगे देन प्रॉब्लम स्पेसिफिक सीरीज स्टार्ट होगी देन मींस नहीं ये सब कुछ साइमल्टेनियसली ही चलेगा प्राइस यहाँ पर मेंशन है यू कैन पे फाइव के एज वन टाइम पेमेंट और यू नीड टू पे वन थाउजेंड पर मंथ यू कैन मेक पेमेंट हुआ है यू पी आई टू द गिवन यू पी आई आई डी एंड बाकी सारी डिटेल्स आप भेज सकते हो टू द मैं ई मेल आई डी अगर आपको कोई मेंटरशिप प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी डायरेक्टली ऑन दिस टेलीग्राम आई डी अब हम चलते हैं आगे मुंबई सिविक बॉडी बैंस गार्बेज बर्निंग इन द ओपन तो एक्चुअली कल ही हमने डिस्कस किया था कि मुंबई में कैसे यहाँ पर ओपन एरिया में बर्निंग हो रही है गार्बेज की वेस्ट सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है एंड उसके बाद ही मिनिस्टर की अनाउंसमेंट आ जाती है अर्लियर द सिटीज गार्डियन मिनिस्टर सेट द बीएमसी हेड्स एंड नोटिस कंस्ट्रक्शन साइट्स की आपको यहाँ पर फॉगिंग मशीन एंड स्प्रिंकलर्स लगाने की जरूरत है एंड वेस्ट को सेग्रीगेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा डेली डाइल्स डाउन री स्टो सम वीज़ा सर्विसज इन कैनेडा तो एक्चुअली कैनेडा आट इंडिया का जो भी इशू चल रहा था वो सब कुछ तो हम डिस्कस कर चुके हैं तो अभी इंडिया ने क्या स्टेप लिया है तो जो भी सर्विसेज हमने बंद की थी तो कुछ सर्विसेज को यहाँ पर अलाउ कर दिया गया है जो वीज़ा सर्विसेज़ है कैनेडा में इसको अलाउ कर दिया गया है लेकिन टूरिस्ट वीज़ा नहीं अलाउ किया गया है एंड ट्री मेडिकल कॉन्फ्रेंस इनके लिए वीज़ा सर्विसज स्टार्ट कर दी जाएंगी नेक्स्ट है ऑन यूपी गवर्नमेंट रेडार रेड आर टू हंड्रेड एलिंग हेल्थ सेंटर्स तो बहुत सारी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्टेड हैं इसको लेकर यहाँ पर एस आई टी बनाई गई है क्या यहाँ पर कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हुई थी क्योंकि आर टी आई से पता चला है कि बहुत सारा काम यहाँ पर बीच में रुका हुआ है कंस्ट्रक्शन वर्क को अबेंडन कर दिया गया है From a building with no doors and windows to one where stairs are missing, projects whose finances are under a cloud, where construction work is एबेंडेंट क्योंकि एजेंसी ने यहाँ पर इंटरेस्ट लूज कर दिया and 200 community centers सेंटर्स jinki जिनकी ऐसी हालत हो रखी है तो उसके बाद ही यहाँ पर एस आई टी बना दी गई है एंड उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट कॉगनीजेंट है जो भी यहाँ पर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुई थी इन सम अंडर कंस्ट्रक्शन पी एंड सी एंड एक्शन को यहाँ पर इनिशिएट कर दिया गया है नेक्स्ट यहाँ पर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स की बात की गई है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड क्या होता है तो एक्चुअली एक जो थिएटर कमांड होगा उसमें तीनों ही सर्विसेज के एलिमेंट्स डिप्लॉय किए जाएंगे अंडर अ सिंगल यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर नेक्स्ट साइटिंग एब्सेंस बिहार स्कूल स्ट्राइक्स ट्वेंटी लैक ऑफ रोज तो एक्चुअली यहाँ पर जो बच्चे बहुत लंबे समय से एबसेंट थे और उनकी सेवेंटी अटेंडेंस नहीं है तो एक्चुअली उनको बोर्ड एग्जाम्स नहीं देने दिया जाएगा अब बच्चे क्यों एप्सेंट थे दो रीज़न हो सकता है तो कुछ बच्चे जो कि अपने पेरेंट्स फेर, के साथ एग्रीकल्चर का, का काम करा रहे हैं या कोई भी काम करा रहे हैं जिसकी वजह से वो स्कूल्स नहीं है दूसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स कौन से हैं जो कि प्राइवेट स्कूल में तो पढ़ रहे हैं लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल को एज अ बैकअप ले रखा है कि अगर अच्छे मार्क्स नहीं है तो एक्चुअली जो गवर्नमेंट स्कूल है बैकअप की तरह काम कर देगा एंड जो बिहार की गवर्नमेंट है स्कॉलरशिप भी दे दिए तो स्कॉलरशिप लेने के लिए भी उन्होंने एक्चुअली ज्वाइन कर रखा था गवर्नमेंट स्कूल तो टारगेट एक्चुअली यहाँ पर दूसरे वालों को करना है लेकिन पहले वाले भी टारगेट हो जा रहे हैं तो दोज हु रिमेन एप सेंड फ्राम स्कूल्स टू हेल्प दियर पेरेंट्स इन एग्रीकल्चर स्मॉल बिजनेस वर्क एंड दोज हु आर इनर सामल्टेनियसली इन प्राइवेट स्कूल्स एंड गवर्मेंट स्कूल्स को बैकअप की तरह रख रहे हैं और एक रीज़न ये भी है कि स्कॉलरशिप मिलती है और जिसकी वजह से वो बेनिफिट लेना चाहते हैं इस स्कॉलरशिप स्कीम का ठीक है अब हम चलते हैं आगे यहाँ पर मास्टर ऑफ द रोस्टर सिस्टम की बात की गई है मास्टर ऑफ़ द रोस्टर सिस्टम क्या होता है तो एक्चुअली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं ये बेंचेस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टू तो हुर है, केसेस तो इसको ही बोलते हैं मास्टर ऑफ़ द रोस्टर सिस्टम आप देख सकते हो सिटी पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है पोल्यूशन के बारे में जो कि हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं डिसिजन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो पाँच सौ स्टेट्स में इलेक्शन उसके बारे में यहाँ पर न्यूज़ है ठीक है अब हम चलते हैं आगे बैलेंस ऑफ ग्रीन पावर इस आर्टिकल में आपको एक भी पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा आपको देख कर ज़रूर लगेगा कि हाँ जी एस थ्री का आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो सकता है लेकिन एक्चुअली जब आप इसको रीड करना शुरू करोगे देन यू विल रियलाइज दिस आर्टिकल इज नॉट इंपॉर्टेंट आपको इसमें से कोई खास पॉइंट नहीं मिलेगा टू ओपन द कैंपस ये आर्टिकल ठीक है थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए हमें लिबरल वीज़ा रजीम रखना पड़ेगा तो ऑथर का बेसिकली ये कहना है कि कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स इंडिया में पढ़ने आते हैं लेकिन वो यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस को गेन नहीं कर पाते हैं अब वर्क एक्सपीरियंस के लिए उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं है क्योंकि ये माना जाता है कि अगर फॉरेन स्टूडेंट्स यहाँ पर जॉब करने लग गए तो इंडियन गव इंडियन स्टूडेंट्स की जो जॉब है ये वो ले जाएंगे लेकिन ऑथर ने बोला एक्चुअली इशू ये है ही नहीं तो इसको हम डिस्कस करते हैं

फॉरन स्टूडेंट्स कैन स्टडी इन इंडियन यूनिवर्सिटी लेकिन कोई भी प्रोविजन नहीं है कि वर्क एक्सपीरियंस को गेन कर सकें एंड ये वर्क एक्सपीरियंस को गेन करना चाहते हैं क्योंकि जो इंडिया का कॉरपोरेट सेक्टर है ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है स्टार्टअप सेक्टर है मैनी इंडियन कंपनीज़ और इंटरनेशनल एंड एस्पायर टू बी मल्टी नेशनल्स फिर यहाँ पर बताया गया है कि जो बिग थ्री यू एस टेक कंपनीज़ हैं इनको हैच किया जा रहा है बाई इंडियन एलिमिनी ऑफ यू एस यूनिवर्सिटीज़ फॉर्मर अफगान प्रेसिडेंट हामिद करजाई ये एक्चुअली इंडिया में ही पढ़े थे एंड जिसकी वजह से बाई लिटरल रिलेशन हमेशा अच्छे रहे इवन थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम्स तो ये सारे एडवांटेजेस हमें और ज़्यादा मिल सकते हैं अगर हम और ज़्यादा फ़ॉरेन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करें इट मस्ट इंक्लूड द फोर थाउजेंड फॉर फ़ॉरेनर्स जो कि इंडिया में आते हैं इंडिया में एक्चुअली फिफ्टी थाउजेंड फॉरन स्टूडेंट्स हैं इसको इंक्रीज करके टू थाउजेंड करना है दिस इज नॉट लाइकली टू फ्रक्टिफाई देर इज़ अ worry that foreign students will take over the jobs of the Indian students. This is not the case. For example, जो India का population rate है, actually ये जो replacement rate है, ये two point one से नीचे आ रहा है. हमारा country भी age करेगा. For example, चीन जिस तरीके से age कर रहा है, तो हमें foreign students की जरूरत है द नंबर ऑफ़ द एल्डरली विल डबल फ्राम वन फोटी नाइन मिलियन इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू टू थ्री फॉर्टी सेवन मिलिय और इसके सीरियस रेमिफिकेशन हो सकते हैं अगर हमारी पॉपुलेशन एज होगी एंड हम अपने वीज़ा रजीम को भी लिबरल नहीं रखेंगे तो ज़रूरत यह है कि हम अपने वीज़ा रजीम को लिबरल रखें जैसे कि यू एस यू के ऑस्ट्रेलिया जो भी कंट्रीज यहाँ पर ऐज कर रहे हैं इन्होंने अपने वीज़ा रजीम को लिबरल रख रखा है कुछ यहाँ पर स्टेप्स लिए भी गए हैं फॉर एग्जांपल पी एम मोदी हैज डेजिनेटेड हायर एजुकेशन इज वन ऑफ द चैम्पियन एक्सपोर्ट सेक्टर बींग प्रमोटेड ओवरसीज फॉर एग्जाम्पल एलिट इंडियन इंस्टीट्यूशंस जैसे कि आई आई एम्स आई 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 अब्रॉड विद द वर्ल्ड इन geopolitical पोलिटिकल टर्म ऑयल एंड द ड्रीम ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन तो ये सर्टनिटी नहीं है फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चे हमारे यूक्रेन में गए थे एंड वहाँ पर जब वॉर स्टार्ट हो गया उसके बाद ये लोग वापस आ गए फिर इनके पास कोई सोलूशन ही नहीं था जिसकी वजह से ये लोग इस वॉर वाली सिचुएशन में ही वापस चले गए तो ये सारे इशूज तो होते ही तो इट स्टार्ट्स विद नोटिफिकेशन बाई द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स परमिटिंग पेड एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टूडेंट कैटेगरी वीज़ा तो ये एक्चुअली यहाँ पर ने सजेशन दिया है कांग्रेस प्लेस विथ टू फाइट्स पॉलिटिकल आर्टिकल है वी विल नॉट डिस्कस दिस सेवन रिजीम्स टू कॉर्नर्स पॉलिटिकल आर्टल आर्टिकल है एमपी की बात की गई कि एमपी में कैसे सरप्राइजेस हो सकते हैं इज़राइल्स डबल स्पीक ऑन टेरर इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं एक्चुअली ये बताया गया ऑथर के द्वारा कि जो इसराइल का स्टैब्लिशमेंट है ये भी टेररिज्म की वजह से ही हुआ है तो इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे एक्चुअली ये आपको कहीं पॉइंट लिखने का मौका नहीं मिलेगा एन तो जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है इसके सब ग्रुप ने सजेस्ट किया था कि इंडिया को भारत बना देते हैं लेकिन एक्चुअली ये जो बात है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में नहीं है तो ये बहुत डिबेट हो चुकी है जी ट्वेंटी के टाइम पर बहुत डिबेट थी क्या इंडिया का नाम भारत कर देना चाहिए ठीक है आगे चलते हैं न्यू मेड इन इंडिया चार्जिंग स्टैंडर्ड्स तो यहाँ पर ऑथर का ये कहना है कि मेड इन इंडिया जो भी आप चार्जिंग स्टेशन बना रहे हो यहाँ पर स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड होना चाहिए चाइना नेशनल स्टैंडर्ड यूज़ करता है फॉर ई वी चार्जिंग कनेक्टर्स जिसको जी बी स्लैश टी दैट अलॉन्ग विद वन ऑफ द डेंसेस नेटवर्कस ऑफ चार्जिंग स्टेशन लेकिन इंडिया में एक्चुअली कोई यहाँ पर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है ही नहीं तो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड होना बहुत जरूरी है जो ओला है ये अलग यूज़ कर रहा है एथर एनर्जी अलग यूज़ कर रहा है यहाँ पर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड होना चाहिए तो कभी भी आप चार्जिंग स्टेशन किसी के बारे में बात लिख रहा हो तो आप यहाँ पर मैंशन कर सकते हो कि स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं है तो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड होना बहुत ज़रूरी है कैबिनेट अप्रूव्स इंडिया जापैन तो इंडिया एंड जापैन ने यहाँ पर साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ जो यहाँ पर सेमी कंडक्टर है उसके लिए तो यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रप्रूवड एम ओ बिटवीन इंडिया एंड जापान ऑन डेवलपिंग अ सेमी कंडक्टर सप्लाईज एंड पार्टनरशिप तो जब आप इंडिया जापान रिलेशन के बारे में लिख रहे हो तो आप एनर्जी के सेक्टर में सेमी वाला पॉइंट मैंशन कर सकते हो तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस की पीडीएफ चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक देन आप इसको बाय कर सकते हो इसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी एंड इफ यू लाइक दानालस दे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे Right.